दिस टॉपिक वी विल डिस्कस हियर इफेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी द वॉल्यूम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हैज़ रिकॉर्डेड मैनीफोल्ड इन प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ वीट राइस मेज एंड पोटैटोज हैज़ इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। टोटली प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 81.0 million टन एनुअल एवरेज ड्यूरिंग द थर्ड प्लान टू 264.8 million टन इन 2013-14। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे राइज हुआ, इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन से क्रॉप्स थे यहाँ पे, वीट राइस मेज़ और पोटैटो, ये चार क्रॉप्स थे जो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे इंक्रीज़ हुए थे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे इनका जो इंक्रीजमेंट है वो 81.0 million टन, 81.0 million टन से यहाँ पे ये क्या था, एनुअल था, मतलब एनुअल इतना प्रोडक्शन होता था, जो कि बढ़ करके कितना हो गया, 264.8 million टन हो गया। ठीक है, 2013-14 के बीच में, कब से लेकर के थर्ड फाइव ईयर प्लान से लेकर के 2013-14 के बीच में हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो 264.8 million टन हो गया। ठीक है, तो जो प्लांट्स थे वो कौन से थे यहाँ पे, वीट राइस मेज़ और पोटैटोज। ओके, सो नेक्स्ट, दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम SFPP एंड द स्पेशल राइस प्रोडक्शन प्रोग्राम। अब ये जो प्रोडक्शन में राइज हुआ, इंक्रीज हुआ, ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया, तो यहाँ पे दो प्रोग्राम्स हैं, स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम SFPP, स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम, ये फर्स्ट प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम था आपका स्पेशल राइस प्रोडक्शन प्रोग्राम SRPP, स्पेशल राइस प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो ये दोनों प्रोग्राम हमारे कंट्री में लाए गए, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए गए, जिस वजह से हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो राइज हुआ। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर हैज़ लीड टू कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। जॉब अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया हैज़ ऑल्सो एक्सपेंडेड एज द फॉर हायर्ड वर्कर रिक्वायर्ड फॉर फार्म एक्टिविटीज़ इंक्रीज सिमल्टेनियसली। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा प्रोडक्शन लेवल हाई होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी को अपनाने के वजह से क्या हुआ, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट हुआ, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हम मल्टीपल क्रॉपिंग करने लगे, मतलब अलग अलग प्रकार की फसल ग्रो करने लगे, जिससे क्या हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई रूरल एरिया में। ओके, तो अब ऑब्वियसली बात है, अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके लिए यहाँ पे वर्कर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे रूरल एरिया वालों के लिए क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। नेक्स्ट गिवन है आपको स्ट्रेंथनिंग द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। ऑल दो ट्रेडिशनल लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वर एग्जिस्टिंग सिंस अ लॉन्ग बैक, बट ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ स्ट्रेंथन द लिंकेज। Strong forward linkage of agriculture with industry was even in the traditional agriculture as agriculture supplied various input to industries. अब यहाँ पे क्या हुआ, forward और backward linkage यहाँ पे बन गई। ठीक है, that means यहाँ पे जो agriculture industry है और सॉरी एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या हो गई, बहुत ही अच्छी हो गई। ठीक है, कैसे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने लगा। ओके,
जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी उन्हें क्या करने लगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने लगा। इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड लिंकेज ऑफ एग्रीकल्चर विथ इंडस्ट्री वॉज इवन इन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एज एग्रीकल्चर सप्लाइड वेरियस इनपुट टू द इंडस्ट्रीज। अब एग्रीकल्चर क्या करती थी, बहुत सारे इनपुट्स क्या करती थी, सप्लाई करती थी इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, तो इनके बीच का जो लिंक था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, बट द बैकवर्ड लिंकेज ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री वॉज वेरी वीक। बट इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर हैज़ रेज्ड अ ह्यूज डिमांड फॉर एग्रीकल्चर इनपुट नाउ प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड बाय इंडस्ट्रीज। अब आप यहाँ पे देखेंगे, स्टार्टिंग में क्या था कि हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से क्या था, उनके बीच में लिंक जो था इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में जो लिंक था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक था। बट नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की वजह से क्या हो गया, इनके बीच का जो लिंक था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये इंडस्ट्री क्या थी, हाईली डिमांड कर रही थी इनपुट्स की। ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में डिमांड कर रही थी एग्रीकल्चर से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और ये हाईली अमाउंट में क्या कर रही थी, इसको इंडस्ट्री को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो इनकी जो डिमांड और सप्लाई है वो यहाँ पे राइज होने लगी। ओके, नाउ दस मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैज़ स्ट्रेंथन बोथ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। अब ये जो एग्रीकल्चर में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, इससे क्या हुआ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बीच में और एग्रीकल्चर के बीच में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जिससे कि इन दोनों के बीच में क्या हो गई, लिंक स्ट्रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटीज। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज़ वाइडन द रीजनल डिस्पैरिटीज एज ओनली सम रीजनल वर्क एंजॉयड एंड रिसोर्सेज एंड एरीगेशन पोटेंशियल हैव बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे प्रभाव भी पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि वीट जो है, वीट को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए अपनी प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए उसे अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे रीजन की वजह से, मतलब कुछ जगह की वजह से क्या हुआ, हम इसमें अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ इस एरिया में कम बारिश हो रही, इस एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही, और HYV सीड्स जो हैं उनको ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है। तो क्या होगा, ये जो कम बारिश वाली एरिया है उस पर कम प्रोडक्शन होगा, और ये ज़्यादा बारिश वाली एरिया पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सक्सेस है HYVP ऑफ सीड की, तो वो हमको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, इसमें हमें कम बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो इनपुट जो है वो ज़्यादा इस प्लेस से सप्लाई किया जाएगा, इस प्लेस में हमको कम ही इनपुट अवेलेबल होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज हियर, इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़। ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ क्रिएटेड सम इम्पैक्ट ऑन इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़। बोथ इकोनॉमिस्ट आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। सम माइक्रो लेवल स्टडीज़ दैट इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़ हैव एनलार्ज्ड, बट सम अदर स्टडीज शो दैट द of interpersonal inequalities have either narrowed down or remained neutral. The studies conducted by Franzen, R. Frankel, G. R. Seni and Punjab Bardhan revalued that the large farmers are benefited most from the green revolution, but other studies made by J. R. Westley, Usha Nagpal and George Bell showed that the inequalities have narrowed down as small farmer are also benefited considerably from green revolution. अब हम यहाँ पे देखेंगे interpersonal inequalities। अब ये जो green revolution है उसमें यहाँ पे inequalities देखने को भी मिला।
यहाँ पे कुछ स्टडीज़ थी जैसे कि फ्रेंसाइन आर फ्रेंकल, जी आर सैनी और प्रणव बंद्रे रिवेल्यूट, इन्होंने क्या किया था, लार्ज फार्मर्स पे इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि लार्ज फार्मर्स को इससे बेनिफिट मिला है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से बेनिफिट मिला है। वहीं पे अगर हम देखें तो दूसरी जो टीम ने स्टडी की थी, जे आर वास्ले, उषा नागपाल और जॉर्ज बेल ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे छोटे छोटे फार्मर्स में और लार्ज फार्मर्स के बीच में क्या आ गई है, इनइक्वालिटीज़ आ गई है। ठीक है, दैट मीन्स अब ऑब्वियस सी बात है, जो ऐसे फार्मर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है HYV सीड्स का इस्तेमाल करके। लेकिन HYV सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, इरीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इन सब में बहुत ही ज़्यादा खर्च आएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये लार्ज फार्मर्स जो थे वो इसको यूज़ कर पा रहे थे प्रॉपर वे में। ठीक है, लार्ज फार्मर्स जो बड़े बड़े जो फार्मर्स थे, बिग फार्मर, वो इस मेथड को प्रॉपरली अडॉप्ट कर पा रहे थे। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स के पास ज़मीन भी थोड़ी सी थी और उनके पास पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ये सब ख़रीदने के लिए उतने पैसे अवेलेबल नहीं थे, और वो मोस्टली किस पे ही डिपेंड रह पा रहे थे, मॉनसून पे ही डिपेंड रह पा रहे थे, या फिर अगर इरिगेशन फैसिलिटी वो अडॉप्ट कर रहे थे तो उसमें भी उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि HYV सीड्स को मेनली यहाँ पे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़ भी अराइज हुआ। ओके, नेक्स्ट, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑफ इंडिया कुड नॉट बी एबल टू अडॉप्ट न्यू स्ट्रेटजी ड्यू टू देयर पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो छोटे छोटे जो फार्मर्स थे और मार्जिनल फार्मर्स थे वो इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, ख़राब थी। ठीक है, और अगर आप HYV सीड्स यूज़ कर रहे हो तो आपको सीड भी परचेज़ करना है, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए, बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन, इन सब चीज़ के लिए भी आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्मॉल फार्मर्स थे और मार्जिनल फार्मर्स थे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे। ओके, सो मेजोरिटी ऑफ रूलर हाउस होल्डिंग हैविंग स्मॉल साइज ऑफ लैंड एंड नो लैंड हैव नेग्लेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम दिस न्यू टेक्नोलॉजी। इसलिए क्या हुआ, जो छोटे साइज की जो जमीन होल्डिंग करने वाले जो पर्सन थे या फिर जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं थी, उन्हें इस टेक्नोलॉजी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। ओके, नेक्स्ट इज़ मार्केट ओरिएंटेड। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हैज़ ट्रांसफॉर्म द फार्मर्स मार्केट ओरिएंटेड। इंडियन फार्मर आर मोस्टली डिपेंडिंग ऑन मार्केट गेटिंग देयर इनपुट एज वेल एज फॉर सेलिंग देयर इनपुट। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था नई टेक्नोलॉजी की वजह से, तो जो भारतीय जो फार्मर्स थे उन्हें एक नई मार्केट चाहिए थी। ओके, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, अपनी इनपुट्स, जो भी उनकी इनपुट्स हैं, इनपुट्स को सेल करने के लिए एक नई मार्केट चाहिए। ओके, सो मोर एवर फार्मर आर ऑल्सो डिपेंडिंग मच ऑन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल इन द मार्केट टू मीट कॉस्ट ऑफ एडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या हो रहा था, उन्हें नई मार्केट चाहिए, साथ ही में क्या हो रहा था कि जो फार्मर्स थे उन्हें अपनी जो भी चीज़ें हैं न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने के लिए जो भी खर्चे हैं उसके लिए भी उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें क्रेडिट देने वाला भी कोई चाहिए था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, मार्केट ओरिएंटेशन हो रहा था। ओके, सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। नाउ लेट अस सी व्हाट हैव वी डिस्कस हियर, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहला इम्पैक्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। दूसरा था इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। थर्ड पॉइंट था स्ट्रेंथनिंग द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। फोर्थ पॉइंट था आपका इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटीज। फिफ्थ पॉइंट इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज। सिक्स पॉइंट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। एंड नंबर सेवन पॉइंट मार्केट ओरिएंटेड। ओके, सो यू हैव टू स्टडी ऑल दिस पॉइंट।
दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.